गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय मोक्ष ऑर्गेनिक। पांडा साहिब में ये गलत काम कर रही थी महिला, पुलिस की छापेमारी के बाद ये सब हुआ। हमीरपुर के शिव मंदिर में चोरी। ऊना में क्रिसमस की ऐसी धूम और ये मनमोहक झांकियां। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश महामंत्री रूपचंद शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द मंच की लंबित मांगों को पूरा करे, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेताया है कि अभी तक मंच की मांगों को सरकार और निगम प्रबंधन अनसुना करता आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहां पर परिवहन के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर राजस्थान परिवहन निगम को रोडवेज का दर्जा दिया गया है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देय भत्ते ट्रेजरी के माध्यम से ही मिलते हैं, लेकिन केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की कहलाने वाली भाजपा सरकार परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुध तक नहीं ले पा रही है। मैं रूपचंद शर्मा, हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच का प्रदेश महासचिव हूँ। हमने सरकार से बहुत सी आशाएं रखी थी, परंतु सरकार ने हमारे को कदम कदम पर निराश किया। अभी जैसे ही छठा वेतन आयोग आया तो उसमें ट्रांसपोर्ट का ना रिटायरियों का किसी का कोई नाम नहीं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अगर ये अपने आप नहीं कर सकती कुछ तो राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहाँ से कुछ पैटर्न लाएं। उन्होंने भी वहाँ पे एक रोडवेज का सिलेक्शन निकाला और रोडवेज बना दी है और टोटल जितने भी कर्मचारी हैं उन सब की पेंशन ट्रेजरी से ही मिलती है। ना कोई एजुकेशन का दौर है ना कुछ है, सभी को निश्चित हो गया अपनी अपनी पेंशन ले रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचे, नहीं तो मजबूर होकर हमें अगले विधानसभा सत्र में, हमने सरकार को नोटिस भी दिया है और उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस थाना पांडा साहिब ने नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बंगाला बस्ती के नजदीक झुग्गी में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने यहां छापामारी की, इस दौरान झुग्गी के अंदर 440.21 ग्राम गांजा पाया गया। सूचना मिलते ही डीएसपी वीर बहादुर मौके पर पहुंच गए, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि एक महिला से 440.21 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी ऑफिस हमीरपुर से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर डांग क्वाली स्थित शिव मंदिर में लगातार तीसरी बार चोरी की घटना हुई है। यहां पर शातिर चोरों ने मंदिर के अंदर मूर्तियों के लिए बने शीशे के बॉक्स को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि मंदिर से कितने रुपयों का चढ़ावा और क्या क्या चोरी हुआ है इस विषय पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले में पुलिस की छानबीन के बाद ये सब स्पष्ट हो पाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नगर परिषद हमीरपुर के एरिया में स्थित गुरुद्वारा साहिब में भी चोरी की घटना सामने आई थी। वहीं सदर थाना हमीरपुर के प्रभारी निर्मल सिंह से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली है, मामले में छानबीन की जा रही है। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर ऊना की सैन जुआन आश्रम चर्च को क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया। सैन जुआन आश्रम द्वारा गिरजाघर परिसर में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती हुई झांकियां भी लगाई गई हैं, जिनमें मरियम, प्रभु यीशु, गडरिये और स्वर्ग से आए दूत दिखाए गए हैं। वहीं चर्च में रात भर पूजा प्रार्थना के साथ ही प्रभु यीशु की जीवन गाथाओं का वर्णन भी किया गया।
इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस के शुभकामनाएं मैं आप सबको सबसे पहले देता हूं। यीशु मसीह जो प्रभु परमेश्वर के वादा का पूर्णता था, वो बेथलेहम की नंबर फिलिस्तीनी के एक छोटी सी शहर में, तब तो बिल्कुल गांव थे, पहाड़ी इलाके थे, सुनसान एरिया थे, वहीं पे उनके जन्म हुए हैं, जो मसीह इसराइलियों के लिए या दुनिया के रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था, उन्हीं की जन्म हुआ बेथलेहम में आज के दिन पे। और सबसे पहले विनम्र लोग, चरवाहे जैसे लोगों को दर्शन हुआ, और प्रभु की यही संदेश था, सर्वोच्च महिमा, सर्वोच्च प्रभु की महिमा स्वर्ग में और भू पर सुजन को शांति।